गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं आ गई हूँ आपके साथ फिर से होम रेमेडी शेयर करने के लिए। और आज भी मैं आपके साथ एक सिंपल सी और इजी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ और वो है फेस पैक। हम सब लोग जानते हैं कि विंटर स्टार्ट हो गया है, हल्की बहुत ठंडी स्टार्ट हो गई है और काफ़ी लोग हॉलीडेज से भी वापस आने लगे हैं, तो सब लोगों का वही होगा कि हमारी स्किन बहुत ही ड्राई होने लगी है, बहुत ही डल होने लगी है। तो इसके लिए जल्दी जल्दी से हम क्या करें, तो ये सब का सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ लेकर आ गई हूँ। मैं जो आपके साथ ये फेस पैक शेयर करने वाली हूँ उसके सारे इंग्रेडिएंट आपको इजीली अपने घर पे ही मिल जाएंगे, तो बाहर ढूंढने जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जल्दी जल्दी से हम ये स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना, काफ़ी बार ये मैं बोलती हूँ और बोलती रहूँगी तो जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब कर देना। और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ उसको भी जल्दी से प्रेस कर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक प्रेस कर देना एंड आपके कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हम हमारे मास्क को स्टार्ट करें उसके पहले हम देख लेते हैं कि इस मास्क को कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें चाहिए 2 स्पून बीटरूट जूस, इसको हमें ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेना है और फिर उसका जूस निकाल लेना है। देन हमें उसमें ऐड करना है 2 स्पून बेसन, 1 स्पून योगर्ट और फ्यू ड्रॉप्स लेमन के, और इसको मिक्स कर देना है। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम जब फेस पैक अप्लाई करें उसके पहले हमें कर लेना है 5 मिनट के लिए हमारे फेस को स्टीम, बिकॉज अभी विंटर है और हमारी स्किन ड्राई हो चुकी होती है, तो ये फेस पैक हमारे अंदर तक जाए इसलिए हमें हमारे फेस को 5 मिनट के लिए स्टीम कर देना है। देन हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे हमारा फेस पैक। अभी हम एक ले लेंगे स्टीमर, या फिर आपके पास स्टीमर ना हो तो एक पैन में वाटर को बॉयल करें, फिर उसको साइड में रखकर एक टॉवल से आपके फेस को कवर करके उससे भी आप स्टीम ले सकते हो। देन स्टीम करने के बाद हमें अप्लाई करना है फेस पैक। तो फेस पैक को आप अपने हाथों से लगा सकते हैं या फिर ब्रश से लगा सकते हैं। उसको अपने पूरे फेस पर और नेक के ऊपर अप्लाई करना है। इसमें हमने लिया है बीटरूट। तो बीटरूट में स्किन एनहांसिंग विटामिंस और न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं जो कि स्किन के स्पॉट्स को लेस करता है और स्किन ग्लोइंग बनाने में हेल्प करता है। इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमारी स्किन से एक्ने स्कार, पिगमेंटेशन, सन टैन को रिमूव करती है और स्किन कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करती है और ब्राइटन करती है। बीटरूट से डार्क सर्कल भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं और ड्राई स्किन को हील करने में हेल्प करता है एंड रिंकल्स को भी दूर रखता है। फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेसन यानी कि चिकपीस फ्लावर। तो चिकपीस फ्लावर में एक क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज़ है जो स्किन को डिपली क्लीन करता है। इसके साथ ये माइल्ड स्क्रबिंग का भी काम करेगा जो आपके स्किन के डेड सेल को दूर करेगा। और बेसन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होती है और तो ये हमारी स्किन को ब्राइटन और टाइटन भी करती है। फिर हम उसमें ले रहे हैं योगर्ट, क्योंकि योगर्ट में लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन के डार्क स्पॉट्स को दूर करता है और डेड स्किन को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। साथ ही जो भी ओपन पोर्स होते हैं उसको क्लोज करता है, उसको टाइट करता है और नेचुरल शाइनी और स्किन को ग्लोई बनाता है। देन उसमें हम ले रहे हैं लेमन, और जो कि हम सब जानते हैं कि लेमन में विटामिन सी होते हैं और साइट्रिक एसिड होता है जो स्किन को ब्राइटन और लाइटन करने में हेल्प करता है। साथ ही आपके जो भी एक्ने होते हैं उसको हील करता है, ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। सो ये हो गए हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके बेनिफिट। इस फेस पैक को हमें 5 मिनट्स के लिए अप्लाई करके छोड़ देना है। देन उसको पूरा ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा गीला रखना है। फिर उसको हमें अपने हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, थोड़ा सा जैसे हम स्क्रब करते हो ऐसा हमें 5 मिनट्स के लिए करना है पूरे फेस और नेक में। देन वॉर्म वाटर से फेस को वॉश कर देना है। ये फेस मास्क आप कोई भी स्किन टाइप हो उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो तो आप योगर्ट की जगह फ्रेश क्रीम या फिर मिल्क, दूध की मलाई, वो भी यूज़ कर सकते हो। और आपको इसको वीक में एक बार ज़रूर करना है। आप इस मास्क
को अपने हैंड्स और लेग्स के ऊपर भी यूज कर सकते हो। गाइस ये था मेरा फेस मास्क और आई होप आप सबको ये हेल्पफुल रहेगा और आप सबको ये पसंद भी आएगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। और अगर आपको ये लगता है कि ये फेस पैक मेरी फ्रेंड्स को भी काम आएगा तो प्लीज़ उसके साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। सो मैं मिलती हूँ आपको मेरे नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।